हिंदू आतंकवाद बोलने के मुद्दे पर पीएम मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जी न्यूज के मंच को चुना। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंकवाद कहने वाले लोग अब जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद पर देश से माफी मांगनी चाहिए। अपनी वोट बैंक के कारण कांग्रेस ने हिंदू टेरर का आरोप लगाया था। वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है तो भी हम चींटी को जिंदा रखने के लिए हर रोज आटा डालते हैं कि भले हमें काटे मगर उसको जिंदा रहने का अधिकार है। इसके साथ टेरर का टैग लगा था। विश्व में साथ गिराने का काम अपने हिंदू टेरर के नाम से। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू टेरर के मामले में देश भर के करोड़ों हिंदू समुदाय के लोगों की करबद्ध माफी मांगनी चाहिए, करबद्ध माफी। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दिया था, अब लोग जाग गए हैं तो वे भाग रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल की वायनाड से चुनाव लड़ने की ओर था। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आप मुझे ये बता दो, क्या नाथूराम गोडसे टेररिस्ट था? नहीं था। एक बात बता दो मोदी साहब, जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी वो गोडसे टेररिस्ट था? नहीं था। अगर टेररिस्ट था तो बोलो ना मोदी, फिर तुम क्या इंक्वायरी रिपोर्ट ने नहीं कहा कि सावरकर भी गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जी न्यूज के मंच पर हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए हमला बोला। हिंदू और आतंकवाद ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वधर्म संभाव सबका आदर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हिंदुत्व कहता है। ऐसे हिंदुत्व को बदनाम करने का अपराध और पाप किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब चुनाव के लिए वोट के लिए लगता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता तो त्रिपुंड धारण किए जा रहे हैं।